गुड इवनिंग गाइस। सो बज चुके हैं 9:30 और काम चल रहा है डिनर का। पहले प्रोग्राम था करेला की सब्जी का, लेकिन प्लान में चेंज आ चुका है थोड़ा बहुत, तो अभी चिली और ऑनियन का सब्जी बनेगा, एक भुर्जी और चपाती, थोड़ा सा मूंग और तूर दाल मिक्स करके वो दाल बना लेंगे। और जो लंच के बर्तन साफ़ करने का काम रिब्बा बचा था और हमारे भाभी भाई ऐसे साफ कर रहे हैं अभी, और मेरे चॉपिंग और वो सारा प्रिपरेशन तो हो चुका है, तो वही बना रहे हैं। तो देखते हैं अभी आपका आगे, बने रहिए हमारे चैनल पे क्यूर की कोशिश पे। तो आगे बता दें आपको। और आज का दिन तो सिर्फ पूरा घर में ही गया, पूरे दिन रेस्ट करते करते। बने रहिए मेरे चैनल पे क्यूर की कोशिश पे, और जो कुछ है काइंडली कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ भी देखना हो कहना हो तो वहाँ पे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको फुलफिल करने के लिए। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हो प्याज जो भी है, प्याज पक गया है, तिदली भी डाल दी है, और सेम प्रोसीजर एकदम कम ऑयल, और ऐसे ही सब्जी पका रहे हैं और ऐसे ही खा रहे हैं। लेकिन सच बात बताओ तो ये ऐसा वाला भी बिना ऑयल का और बहुत कम ऑयल का ना के बराबर बहुत टेस्टी लग रहा है आजकल। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने ये नॉनस्टिक में सारा प्याज चॉप करके, ग्रीन चिली चॉप करके, इसमें हल्का सा ऑयल डाल के और सारा मसाला इसी में डाल दिया है। तो ये मसाला रेडी हुआ है भुर्जी का, तो इसमें से अंडा भुर्जी बनाएंगे। और कुछ मैं हर बार कुछ अलग अलग ही ट्राई करता रहता हूँ, किचन में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो आज देखते हैं ये वाला कैसा लगता है। मैं पहले बना चुका हूँ, पहले भी अच्छा लगा था, तो आई विश एंड आई होप कि आज भी अच्छा ही लगे। जैसे कि आप देख सकते हो प्याज पक चुका है, एक एग, सेकेंड एंड थर्ड। मेरी आदत है, मैं अंडे को सिंगल हैंड ही फोड़ता हूँ, तो ये कोई स्टाइल नहीं मार रहा हूँ ना ही कोई फैशन कर रहा हूँ, लेकिन एक हाथ पे बैठ गया, मेरे किसी एक दोस्त ने सिखाया था, जिसका अनफॉर्चुनेटली जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी ये बहुत सारी वेराइटीज़ थी जो अंडे में बहुत फेमस थी, तो उसी को देख के आज ये कुछ सीखे थे हम, तो आज भी हम उसको याद करते हैं। और ये हमारा भुर्जी बन चुका है, यह थोड़ा कच्चा पका रहेगा तो इसको आप सूरत पे गोटालो बोलते हैं, और अगर इसको अच्छे से पका दिया, अंडे को अलग अलग कर दिया एकदम, तो उसको भुर्जी बोलते हैं।